अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद। आज मैं मौजूद, उसमें मेरे साथ हैं जी अहमद हमाद, आपका नाम उस्मान भाई। तो आज आपको दिखाने जा रहा हूँ जी पूरे एक साल की मेहनत। जैसे से स्टार्ट में आपने माशाल्लाह थोड़े से क्लिप देखे और पिक्चर थंबनेल आपने देखी, तो ये जानवर जी इन्होंने पूरा साल जो है अपने पास, कितनी देर होगी बॉस इसको? इसको 1.5 साल हो गया मेरे पास। 1.5 साल हो गया है। इसका डेली बेस पे क्या एक्सपेंस आ जाता है? इसका डेली बेस पे तकरीबन 400 to 500 आ जाता है। 400 से 500 एक्सपेंस डेली बेस पे। तो चले आए जी वन बाई वन, माशाल्लाह आपके उनके कुर्बानी का शौक दिखाते हैं, और साथ में जिस मेन चीज़ के लिए आया मैं, कजले के लिए आया, तो आपको इनका कजले का भी शौक करवाते हैं। तो चले आए करते हैं वीडियो स्टार्ट। देखिए फुल वीडियो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जी। आपको इनसे मिलाते हैं और इनसे पूछते हैं और आपको बताते हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताएं टोटल आज आपके पास जानवर कितने हैं कुर्बानी के लिए? जी कुर्बानी के लिए एक ये जानवर है, एक ये बकरा है, ठीक है, दो ये बकरे हैं और एक छतरा कजला। एक कजला छतरा है। और अगले साल जो जी जी दो कजले अगले साल के लिए ले आए। चलें जी, आपको उनका भी शौक करवाते हैं। और आपको एक चीज़ बताता चलूँ, इन दो बंदों से आपने धोखा नहीं खाना, इनकी शर्टों से आपने इनको पहचानना, ठीक है? वैसे ये दोनों जुड़वा हैं, और ज़रा ख्याल करना आप लोगों ने, मुझे बताना है कहीं एक ही बकरा तो नहीं बार बार दहाई जा रहे, और ये चीज़ आपने बताया। चलें स्टार्ट करते हैं इस बकरे से, माशाल्लाह आगे करिएगा माज भाई इस बकरे को। माशाल्लाह जी देख सकते हैं कितने का लिया यार ये, 71,000 का लें जी, चेक कर सकते हैं 71,000 का है जी। माशाल्लाह ब्राउन बकरा है और वाइट आइज है, चपटे है नहीं, चपटे किधर गए, चपटे तो है नहीं, कौन है दान दा है ना ये छिग्गा बकरा जी, छिग्गा इतना महंगा ले लिया, मर्जी यार ले जी। छिग्गा बकरा माशाल्लाह देख सकते हैं, और ये वाइट वाला 46 का लिया लें जी। इसका दान दहाइएगा, दो दाम ज़बरदस्त माशाल्लाह, बड़ा प्यारा येलो आई सिंह चपटे हैं माशाल्लाह, कानों के लिए दे सकते हैं। चलें जी आएँ, जिस पर्पज़ के लिए हम लोग आए थे, महद भाई हमारे साथ हैं और देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह। हमाद भाई इसके महद के हमाद इधर आ जाए, हमाद भाई इसको रहने दें। हमाद भाई इसका नाम क्या रखा था आपने? इसका नाम हमने शेरू रखा, शेरू जी। अच्छा हमाद भाई मुझे ये बताएँ, ये कितनी एज में आप लेके आए थे? ये हम जब लाए थे तो इसकी एज तकरीबन 4 मंथ्स की थी। 4 मंथ माशाल्लाह जी, देख सकते हैं आप लोग जानवर उनका फुल हाइट में माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा। इस टाइम आपको क्या लगता है क्या वेट होगा इसका? इसका वेट आई थिंक 4 मंथ से ज़्यादा है। 4 मंथ से ज़्यादा जी लें जी, देख सकते हैं जी 4 मंथ से ज़्यादा है, और भाई के मुताबिक कन्फर्म 4 मंथ। 4 मंथ का मतलब है जी, 4 मंथ का मतलब 160 किलो से ज़्यादा ही है। मुझे नहीं लगता, मेरे अंदाजे में मैक्सिमम 120 6 से 7 महीने हो गए। इसका वज़न किया था 100 किलो था। अच्छा, जब 100 किलो था जब आपने इसका लास्ट टाइम वज़न किया था, और मुंह से ये क्या हो गया? ये चोगा हो गया। चोगा हो गया पहले जी, शेरू मुंह से 4 दांत हो चुका है। मुझे ये बताएं शौक कैसे पड़ा इनका? ये शौक मुझे वालिद साहब से पड़ा। वालिद साहब से पड़ा माशाल्लाह, हर साल कुर्बानी खुद ही पालते हैं जी। लें जी हर साल अपनी कुर्बानी जो है खुद ही पालते हैं। अच्छा अगले साल के लिए जो चीज़ लेके आए हैं जी, वो भी हमें शौक करवाएंगे उसका? जी करवाते हैं। चलो आए जी उनकी तरफ चलते हैं, ये दो बच्चे हैं जो अगले साल के लिए भाई लेके आया है, और इसका भी शौक करते हैं माशाल्लाह। हमारे भी मुझे आपने बताना है कि अगर कोई शौकीन आदमी जानवर रखना चाहे जी, तो वो क्या क्या चीज़ देखे, क्या क्या पॉइंट होते हैं, ये मुझे आपने आज बताना है। वैसे तो हम लोग सारा साल मंडी में बताते हैं लोगों को, आज आपकी बारी है। अब पहले यही बच्चा एक पकड़ लें इनमें से कोई भी, और वन बाई वन उसकी डिटेल दें हमें। ये जो है ये कक्का, ठीक है, दोनों आंखों से कक्का है, ठीक है। अगर आपने प्योर कजला देखना है तो इसमें 5 निशान होते हैं भाई। एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ, अक्सर ये आज आपका ना मेरा समझ लो इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यू एंड एन, वही है ना, वही हो रहा है, ठीक है। कक्का कक्का है जी, लाखा लाखा है, ये नाम है, नाम है कक्का उसको कहते हैं जो जैसे हम गोरे नहीं, एक गोरे क्यों कहने हैं, काला गोरा, तो इसी तरह कक्का कलाखा जो ये नाम है, कजला कजला है, कजले की ये निशानी भी चोड़े कान संगे कान देख लें, नकोड़ ये निशानियां होती हैं, ठीक हो, हड पैर के चोड़े होते हैं, हड पैर चोड़े होते हैं। पता खरीदा मैं। अच्छा जी आप आ जाएं, आप बता दें सर, हम सिर्फ समझ लेंगे, बेटा ही बताएगा सिर्फ। ये काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं सर जिन्हें पता ही नहीं है, लोग शौक करना चाहते हैं, मंडियों में जाते हैं खज्जल हो आगे वापस आ जाते हैं, और फिर ले के आते फिर कहते हैं लो जी सानू मिले ही नहीं, प्योर चीज़ दी नहीं, प्योर चीज़ आपने ढूंढनी है। तो याद रखें कि कजला जो भी है, कानों की लेंथ जैसे उन्होंने बताया, एक 3 किस्म के कजले आ रहे हैं, हम इन्हें कहते हैं बकरी मुंह, ये देख रहे हैं, ये जो फेस है ये ब्रीक है, हम इसे कहेंगे मादी, ये देख रहे हैं इसका फेस ज़रा भारी है, इसकी ये देखें ब्रीक आ रहा है भेड़ की तरह। अगर आप इधर पीछे आपको दिखाता चलूँ तो ये देखें, ये भेड़ देख रहे हैं, इस भेड़ का फेस देखें और इसका फेस देखें, ये जो है
इनको हम मादी मुआ कहते हैं, मगर कुछ लोग ये कितने में क्या बाइंग हुई इनकी जी? ये हमने सरगोधे से मंगवाए हैं। अच्छा, ये एक जो है ना 28,000 का पड़ा। एक 28 का जोड़ी अलग अलग लिए कि एक जोड़ी ली है? दोनों इकट्ठी 56,000 के इकट्ठे ही लिए हैं। सही, ज़बरदस्त हो गया 56 के लिए। इंशाल्लाह ताला जी आज ये इनका देख रहे हैं और अल्लाह पाक इनको सेहत तंदरुस्ती दे इंशाल्लाह। बहुत देर नहीं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे इंशाल्लाह, कोई 4-5 माह बाद एक मरतबा फिर इनका विज़िट करेंगे आपका जी, जी। और फिर भी ये दिखाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी अल्लाह पाक बेहतरी फरमाए और बेहतरी का ही मामला। और इस तरफ जी जो शेरू है माशाल्लाह देख सकते हैं, इस साल शेरू की कुर्बानी है। वो खाने में क्या खाता है ये? खाने में जो रूटीन से चीज़ें खाता है उसमें इसको हम दाल भिगो देते हैं पानी में, ठीक है, फिर रात को उसको दूध में ग्राइंड करके वो इसको खिलाते हैं। और उसके अलावा ये 8 से 10 किलो लूसन खाता है डेली का, ठीक है, और लिक्विड जो चीज़ें पीता है ये 5 किलो लस्सी एक टाइम पे पीता है, ठीक है, फिर 5 लीटर ये एक टाइम पे शक्कर वाला पानी पीता है, शक्कर और बेसन डाल के। अच्छा, फिर 5 लीटर एक टाइम पे फालसे का शरबत पीता है। फालसे का शरबत, ये रूटीन की खुराक है इसकी, ये डेली बेस की खुराक जी। लेकिन जी देख सकते हैं डेली बेस की खुराक है। लें जी बहुत ज़बरदस्त, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस तरह का शौक़ करते हैं। माशाल्लाह देख सकते हैं इस तरह जानवर तैयार नहीं होते। और इस जानवर को अगर आप खोलें, सिर्फ भेड़ है इधर भेड़ करके ये इधर उधर नहीं जा रहा, अभी आपको खोल के तरह इसको चलाओगे थोड़ा, क्योंकि अक्सर जो हैवी वेट जानवर होते हैं लोग तैयार कर लेते हैं। लोगों का कहना होता है कि जी इनको सिर्फ पानी लस्सी इन चीज़ों पर तैयार कर लिया जाता है, बाद में चलते नहीं हैं, मगर ये जी बिल्कुल ओरिजिनल है। जैसे मर्ज़ी इसको ले कर फिरें, जहाँ मर्ज़ी ले कर जाएँ भाई, चलाएं जिधर आपका दिल करता है, इस जानवर को लेके घूमें फिरें जी। माशाल्लाह जी इसकी भेड़ है पीछे मादी, इसके साथ इन्होंने छोड़ी हुई है, जिसके करके जो है ना ये थोड़ा सा इन्हें डिस्टर्ब कर रहा है। अदरवाइज़ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, स्क्रीन पे आप लोग कुछ चीज़ें देख भी रहे होंगे और सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर ये जानवर आपके अंदाजे से जी कोई ख़रीदना चाहे जी, तो क्या इसकी कॉस्ट निकलनी चाहिए? क्योंकि पूरा साल पालने के बाद, आपने तो पूरा साल पाला ना, आपके पास तो ये 1.5 साल से है, क्या एक्सपेंस आ जाता है? एक आइडिया बस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं ऐसी चीज़ों की जी। इसको जो हमने 1.5 साल पाला है ना, 1.5 साल में इस पर तकरीबन 1.5 लाख के करीब खर्चा आया, ठीक है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं सेल की बात है, सेल तो हमने वैसे तो करना नहीं है, मगर लेकिन अगर ये सेल होता है तो तकरीबन 2.5 से 3 लाख का सेल होगा। 2.5 से 3 लाख का यहाँ का आके शौक महंगा हो जाता है, क्योंकि हम लोग आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, जो लोग शौक में पालते हैं ना वो फिर इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि भाई मेरा इस पर आना लग रहा है कि 10 रुपये लग रहे हैं, वो इसको दिल से तैयार करते हैं। और दिल से तैयार जब करते हैं तो जो इसने एक्सपेंस बताया ये कोई ज़्यादा एक्सपेंस नहीं, ये एक नॉर्मल एक्सपेंस है। अगर आप जानवर तैयार करना चाहें इसमें जिस मर्जी रूटीन से आप अपना जानवर जो है वो तैयार कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि शेरू के मोहल्ले के बच्चे शेरू नीचे आया हुआ, और सारे लोग जितने भी बच्चे इस टाइम शेरू को देखने आए हुए हैं, सो करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज़। उम्मीद करता हूँ जी शेरू की वीडियो आपको पसंद आई होगी, भाई का शौक देख के आपको मज़ा आया होगा। स्टार्ट में जैसे आपको दिखाया सेम वैसी चीज़, इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर जब भी ये कुछ चीज़ दोबारा तैयार करते हैं तो दोबारा इनके पास हाजिर होंगे और फिर आपको इनका शौक दिखाएँगे। और इसी तरह हमारे साथ बने रहें और अगली वीडियो आपके लिए।